रिसेंटली अजय ने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड, जो कि एक वीक के अंदर ही 12 मिलियन लाइक्स तक पहुंच गया था। हाँ तो गाइस, क्या आप भी अपने फैक्ट शॉर्ट वीडियोज में कुछ इस टाइप का कैप्शन लगाना चाहते हैं जिससे आपका वीडियो यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में सबसे यूनिक एंड कैची लगे एंड आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले? तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया। आज आपको मिलने वाला है यहाँ पे कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप इसको काफी इजी तरीके से अपने स्मार्टफोन की मदद से कैसे बना सकते हैं और अपने वीडियोज में इसको काफी इजी तरीके से किस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का कैप्शन बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नेम है पिक्सल लैब, जो मोस्टली सारे यूट्यूबर्स के फोन में होते ही है। अगर आपके फोन पर ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। इसको ओपन करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको कुछ जो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट देखने को मिलेगा एंड आपको जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आ जाता है खुद ब खुद, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको ये वाला न्यू टेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा इसे आपको जो सेलेक्ट करना है कुछ स्टेप से। एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करके एंड गाइस आपको यहाँ पर जो है डिलीट पर क्लिक करना है जिससे वो वाला जो हम लोग यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देन गाइस आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद ये वाला बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज करना है। तो ये वाला बैकग्राउंड को गाइस चेंज करके आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक जो ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट बोल के, तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दोगे गाइस तो ये हमारा जो पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। एंड ट्रांसपेरेंट बनने के बाद गाइस आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके गाइस आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज साइज, आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड इमेज साइज पर आप जैसे क्लिक करते हो गाइस तो आपको एक जो है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा प्रीसेट, प्रीसेट में गाइस यहाँ पर जो मेरा अभी कस्टम करा हुआ है तो आपको यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है। एंड कस्टम पर क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे जो है फेसबुक कवर्ड आर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, फेसबुक कवर आर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है फेसबुक कवर आर्ट पर क्लिक कर देना है। आप बोलोगे फेसबुक कवर आर्ट क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसके पीछे भी आपको रीजन बता देता हूँ, ठीक है। आपको गाइस सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक कवर आर्ट को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। देन गाइस देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो साइज बिल्कुल छोटा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें जो कैप्शन में छोटा ही साइज चाहिए होता है इसलिए हमने जो यहाँ पे फेसबुक वाला जो यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो गाइस आपको जो है कुछ स्टेप से सेलेक्ट कर लेना है और हमारा जो यहाँ पे कुछ स्टेप से अब जो है बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। एंड गाइस अब आपको जो अपने कैप्शन को लिखना है, तो कैप्शन को लिखने के लिए गाइस आपको यहाँ पर जो ए पर क्लिक करना है। एंड ए पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा होगा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से जो हमारे सामने आ जाएगा, तो आपको गाइस यहाँ पर जो एडिट पर क्लिक करना है। एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद आप जो भी जो अपने कैप्शन में लिखना चाहते हो वो गाइस आपको यहाँ पर जो टाइप कर देना है। मान लो गाइस मैं भी जो फिलहाल अपने चैनल का नेम ही जो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी गाइस अपने कैप्शन में लगाना है आपको उसको जो यहाँ पर टाइप कर देना है। देन गाइस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए गाइस हमारा कुछ स्टेप से जो आ चुका है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, ठीक है, बट आपको जो इस पर कुछ सेटिंग करना होगा। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आ जाना है फॉन्ट पर एंड एक जो काफ़ी अच्छा वाला फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है कुछ स्टेप से, ये देख सकते हो, ठीक है। अगर जो आपके पास जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाला फॉन्ट नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर गाइस इस फॉन्ट को जो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। गाइस आपको इधर जो सेलेक्ट कर देना है एंड गाइस आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है गाइस और यहाँ पर जो इनेबल कर देना है इसे। आप इसे जैसे ही इनेबल कर दोगे गाइस तो आपके सामने जो यहाँ पे बैकग्राउंड निकल के आ जाएगा आपके टेक्स्ट के पीछे। तो गाइस आप जो यहाँ पे जो भी कलर चाहते हो अपने कैप्शन में आपको वो वाला कलर को आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे गाइस मैं यहाँ पे जो येलो कलर चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो येलो कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। देन गाइस आप जो स्टेप से इसका जो लेफ्ट पेडिंग करके इधर भी इसको बढ़ा सकते हो एंड राइट पेडिंग करके इधर भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसको आपको फुल कर लेना है कुछ स्टेप से, लेफ्ट पेडिंग एंड राइट पेडिंग को फुल करने के बाद आपको थोड़ा सा जो इसका यहाँ पे टॉप पेडिंग को भी बढ़ा देना, ठीक है, कुछ स्टेप से जैसे देख सकते हो, ताकि आपका जो यहाँ पे बॉटम पेडिंग ये वाला नीचे वाला है, ठीक है, आप यहाँ से नीचे से जो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो एंड जो है टॉप पेडिंग से जो ऊपर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों को गाइस यहाँ पे जो इक्वल कर लेना है कुछ स्टेप से, ठीक है, आपको बॉटम और जो आपका ऊपर वाला है, ठीक है, दोनों को जो आपको यहाँ पे जो इक्वल कर लेना है कुछ स्टेप से। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ओके पर, ठीक है। देन गाइस ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो इसका यहाँ पे जो कलर को चेंज कर देना है, क्योंकि ये वाला कलर जो अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ पे जो रेड कलर दे सकते हो और या फिर जो आप यहाँ पे ब्लैक कलर दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फिलहाल ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को दूंगा। देन गाइस आपको यहाँ पर जो फिर से टिक पर क्लिक कर देना है, तो हमारे यहाँ पे जो ये सेटिंग ओके हो जाएगा। देन गाइस आपको इसका साइज को यहाँ पे जो कुछ स्टेप से जूम कर लेना है, ठीक है, आपको एक इंच पर पकड़ करके जो इसको यहाँ पे एक इंच पर होल्ड करके कुछ स्टेप से जो इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है कुछ स्टेप से, ये देख सकते हो आप। तो ये देखिए गाइस हमने जो अपना साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है कुछ स्टेप से। तो आप गाइस ये वाला जो हम लोग का कैप्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है। देन गाइस आपको जो है इसे सिंपली अपने फोन में सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर सेव वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड गाइस सेव एज इमेज का आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, तो सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। देन सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव टू गैलरी, आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है एंड हमारा जो ये वाला कैप्शन है गाइस ये हमारे जो गैलरी में सेव हो चुका है। गाइज हमारा कैप्शन अब रेडी हो चुका है। अब गाइज आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके इसे जो काफ़ी अच्छे तरह से एडजस्ट करके ऊपर के साइड आपको लगा देना होगा। एंड गाइज आपको जो इसी तरह से और एक भी कैप्शन बना लेना है जिसमें आपको सब्सक्राइब लिख देना है एंड वो वाला को गाइज आप यहाँ पे जो नीचे में लगा सकते हो काफ़ी अच्छे तरह से जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो कुछ स्टेप से गाइज आप जो अपने वीडियोज़ में यहाँ पे जो कैप्शन लगा सकते हो जिससे आपका यहाँ पे CTR काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड आपके वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आएंगे। एंड गाइज मैंने आपके लिए एक जो काफ़ी अच्छा वाला प्लेलिस्ट बना रखा है फैक्ट वीडियो क्रिएटर के लिए, अगर जो आपने उसे अभी तक चेक नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो उसे चेक कर सकते हो। एंड अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अपने वीडियो में कैप्शन लगाने के लिए।